साथ आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। इंदौर शहर में मारपीट के मामले में हर दिन सामने आ रहे हैं, जहां कई बार घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती हैं। ऐसी ही एक घटना लसोड़िया थाना क्षेत्र के इंडस सैटेलाइट कॉलोनी में बीते दिनों हुई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। अब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहाँ एक युवक गार्ड को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। कानून को स्वयं अपने हाथों में लेकर प्रदीप पांडे नामक युवक, जो खुद को पार्टी का कद्दावर नेता बताते हैं और कई संगठनों का प्रमुख बताते हुए गार्ड को बेरहमी से पीट रहा है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ लोग कॉलोनी में पहुंचे और एक व्यक्ति की डंडे से पिटाई करने लगे। मामला लसोड़िया पुलिस थाने तक पहुंचा। जानकारी के अनुसार कॉलोनी के गार्ड की कुछ लोग किसी बात को लेकर डंडे और लात घूसे से पिटाई कर रहे थे। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जहां पीड़ित ने पुलिस थाने पहुंचकर मामले की शिकायत पुलिस से की है। वहीं घटना के बाद अब जांच शुरू की है और बताया जा रहा है कि आरोपी लोग अपने आप को एक बड़े संगठन से जुड़े होना बताया है। मामले से फिलहाल जांच जारी है और पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली।